अगला जो स्टेप है वो रीसेट मदरबोर्ड। तो ये मदरबोर्ड रीसेट करने से पहले आप एक स्टेप फॉलो करने से पहले आप एक बात गौर कीजिए कि आपको अगर जो सेव्ड डाटा है आपके इंडिकेटर में वो अगर आपको ज़रूरत है चाहिए है तो आप उसको बैकअप के तौर पर किसी एक्सटर्नल डिवाइस में रख लीजिए, नहीं तो इस प्रोसेस हो जाने के बाद आपका सब डाटा ख़त्म मतलब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप कैसे करेंगे आप, पहले ऑल्ट F8 दबाना होगा, फिर वहाँ पे पासवर्ड डालना होगा सेट डबल ई करके, SETEE। जब लॉगिन जब इंटर पासवर्ड मांगेगा तब सेट डबल ई डालिए, फिर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद ऐसे मशीन नंबर और काउंटर नंबर दिखाएगा। ठीक है, तो इस ये मशीन नंबर और काउंटर नंबर नोट कर लीजिए, और इसके साथ साथ आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का जो पोर्ट है वो USB या PS2 जो है वो मेंशन करके इन तीनों मशीन नंबर, काउंटर नंबर और कीबोर्ड का पोर्ट, ये तीनों भेज दीजिए तुलसी का हेड ऑफिस में, उसके साथ उनके साथ कॉन्टैक्ट करके, और फिर वहाँ से OTP ले लीजिए, OTP भेज देगा आपको। तो मान लीजिए मेरा OTP है 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद URL पासवर्ड करके लिखा आएगा, वहाँ पे 1 2 3 4 5 OTP डाल दीजिए। आपको OTP डालने के बाद फिर एंटर कीजिए, फिर वहाँ पे आएगा ऐसे सिस्टम डाटा रीसेट करके, वहाँ पे येस और नो मतलब Y/No ऐसे करके आएगा, Y/No, तो आपको करना है, तो मतलब वहाँ पे Y डालना है, Y कीबोर्ड के जरिए वाई प्रेस कीजिए, फिर एंटर दबाइए, फिर सिस्टम इनिशियलाइजिंग करके ऐसा लिखा आएगा और थोड़ा डॉट आएगा, थोड़ा सा समय लेगा ये सिस्टम इनिशियलाइज करने के लिए। ये सिस्टम हो जाने के बाद आपको दिखाई देगा सिस्टम इनिशियलाइज सक्सेसफुली, आपको जो मदरबोर्ड रीसेट कंप्लीट हो चुका है, आपका सब डाटा भी डिलीट हो चुका है, आपका मशीन भी मतलब नया की तरह हो गया है, आपका प्रॉब्लम भी बिल्कुल गायब हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे जो सेटअप प्रोसीड्योर है उस सेटअप प्रोसीड्योर में जाना पड़ेगा।